हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सबका स्वागत है आज की वीडियो में। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो मेरे साथ, मिष्टी के साथ। तो फिलहाल आज यहाँ पे काम वगैरह मतलब लमसम हो चुका है, मतलब जो वर्कर्स थे वो जा चुके हैं, तो यहाँ का तोड़फोड़ हो चुका है, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ दिखाती हूँ यहाँ का क्या हाल हो रहा है आजकल। तो ये बर्तन अब हम यहाँ पे धो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत हो गया बर्तन धोने लायक। बर्तन अभी सारे यही रख रखे हैं, और ये हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत सफाई कर ली। और ऊपर मैं खोपचे के अंदर गई थी दोबारा से ऊपर, तो जो काम वाली थी वो कह रही थी कि मतलब जो वर्कर्स थे वो कह रही थी आप ऊपर कैसे गए। मैंने कहा जैसे पेड़ों में चढ़ते हैं वैसे, गांव में आदत है। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ, काम कर आने लग गए चक्कर। तो ये मैंने रोस्टेड कर रखे हैं मखाने, बादाम, काजू, अखरोट, और इसमें है तिल वगैरह। तो इसको मैंने रोस्ट कर मतलब इसको भून दिया अच्छे से। अब इसको मैं इसको मिक्सर करूँगी, और उसके बाद दूध में डालकर मस्त होकर मतलब अच्छे से खाएंगे, तो उससे कमजोरी वगैरह ठीक होती है और साथ में मतलब ताकत आ जाती है। तो जैसे अगर किसी को चक्कर वगैरह आ रहे हैं, जैसे कि मुझे आ रहे हैं काम कर, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है। तो फिलहाल अब मैंने यहाँ पर मखाने वगैरह रोस्ट किए सारे, अब उनको मैं मिक्सर कर रही हूँ और मस्त बाद में दूध में डालकर, और उसमें साथ में थोड़ा बहुत केसर वगैरह भी डाल सकते हो, केसर वगैरह डालें और इसको फ्राई करें हल्का सा, मतलब उसके साथ किसके या तो घी में या तो मक्खन, अमूल मक्खन वगैरह, अच्छा मक्खन कोई भी ले लो। जिसको नमक वाला पसंद नहीं है तो नॉर्मल मक्खन लाएँ, उसमें डालें और घी में डालें, लेकिन कम क्वान्टिटी रखें, क्योंकि ज़्यादा भी सेहत के लिए ख़राब है, क्योंकि उससे वेट बढ़ता है। तो वेट लूज़ करना है तो उसके लिए तो आपको घी वगैरह का प्रयोग कम करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे इसको रोस्ट कर रही हूँ, मतलब इसको मिक्सचर कर रही हूँ दोबारा। तो यहाँ पर मैंने देखो इसको बिल्कुल मिक्सचर कर दिया, और तो काफ़ी अच्छा ब्राउन सा हो रखा है, क्योंकि मैंने इसको भून दिया था तो ये ब्राउन हो चुका है। तो अगर आपको भी एनर्जी लानी है तो आप भी ऐसे ही करें, और जब दूध को उबालें तो उसमें केसर भी डाल देना, और अगर आपको थोड़ा मीठा चाहिए तो उसमें थोड़ा सा शहद का प्रयोग करें, चीनी का ना करें बिल्कुल भी, या तो थोड़ा अगर वो खांड वगैरह तो खांड आप डालना इसमें, खांड भी नहीं मतलब गुड़ का बूरा, गुड़ का बूरा इसमें डालें तो मतलब चीनी से तो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे अच्छे से मेरा मतलब एनर्जी पावर वाली ताकत जिससे आएगी वो मैंने बना दिया, ताकि मैं मस्त जाऊँ घोड़े की तरह टुबड़ुक टुबड़ुक। तो फिलहाल अभी, और साथ में अपने लिए जैसे कि मतलब कमजोरी हो तो कच्चे चने वगैरह भी भिगा लें, और उनको मतलब स्प्राउट्स बनाए उसके, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे मेरा खाना मतलब बन चुका है, और ये एक दिन के लिए नहीं है, ये कम इसमें मैंने मखाने भी पीस दिए हैं, तो ये कम से कम चलेंगे एक हफ्ते के लिए, तो कम से कम चले जाएंगे। यहाँ पे फिलहाल अभी मिष्टी की पढ़ाई चल रही है, और मिष्टी दरवाज़ा खोलने की जिद कर रही है, जो कि मैंने कहा उसको बंद करके रख, क्योंकि उसका छोटा भाई उसको बहुत दुखी कर रहा है। पेपर चल रहे हैं, और यहाँ भी ऊपर इस खोपचे के अंदर भी मैं ही गई थी, यहाँ भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया, थोड़ा थोड़ा रह रहा है। और पंखा अभी फ़िलहाल चल नहीं रहा, पहले सुनीता लोग नीचे सो रहे थे और अब हम सो रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों हम सोच रहे हैं कि अभी हम मतलब अभी यहाँ पे तराई वगैरह हो रही है, तो हम सोच रहे हैं कि हम अभी 8 तारीख के बाद ही यहाँ पर मतलब बेड वगैरह लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा होली खेलने का विचार है कि अच्छे से हम पानी यूज़ कर सकें यहाँ पर। वैसे तो करंट का भी थोड़ा डर रह रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाइट्स वगैरह हैं, जब तराई दे रहे हैं तो पानी जब इनके अंदर गिर रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि करंट मार रहा है सारा। तो हम ये मतलब कि हम सोच रहे हैं कि मतलब दिवाली के दिन, होली के दिन यहाँ पे इसको कवर कर देंगे अच्छे से टेप से, और उसके बाद यहाँ पे मस्त होली खेलेंगे, और उसके बाद ही हम यहाँ पे अपना पूरा सामान वापस लाएंगे। तो दोस्तों अब है रात का टाइम हो गया, मतलब पहले भी रात ही थी अब भी रात ही है, लेकिन अब खाना पीना हो चुका है तो अब है सोने की तैयारी। मिष्टी भी ऊपर सोने गई दादा दादाजी के साथ, और अब हम यहाँ पे मेरे साथ आई है साथ में, तो अब सोने चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।